एवरीवन, आज का हमारा हिंदी का दूसरा चैप्टर है ईदगाह। इसके लेखक है प्रेमचंद जी। पहले हम लेखक परिचय लेंगे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। याद रखना, प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। हिंदी में लिखने से पहले प्रेमचंद जी ने शुरुआत में उर्दू में लिखा था। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक जो हीरो है हामिद, जिसका नाम है हामिद, अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। ईदगाह नमाज पढ़ने की जगह, ईद की नमाज पढ़ने की जगह जिसे कहते हैं ईदगाह। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके, अपनी जो इच्छाएं होती है बचपन की, जो इच्छाएं होती है उसका दमन करता है, यानी कि अपनी इच्छाओं को मार कर अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। चिमटा गरम रोटी को उलटने पलटने का जो आता है साधन, उसे कहते हैं चिमटा। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने के विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण यानी कि आप लोग, स्टूडेंट्स, आप लोग, ये बालक जो हामिद है उसके अंदर त्याग है, सद्भाव यानी कि अच्छा भाव है और विवेक है। बड़ों के प्रति अपना जो आदर है उसे देखकर भाव विभोर हो जाते हैं, यानी कि आपको भाव विभोर हो जाना है, आपको ये सब सीखना है। अब हम लेसन पढ़ेंगे। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमजान पूरा एक महीना होता है 30 दिनों का, उसे उस 30 दिनों को कहते हैं रोजे। उसके बाद ईद आती है। कितना मनोहर, मनोहर यानी कि सुंदर, कितना सुहावना प्रभात है। सुहावना यानी कि रमणीय, प्रभात यानी कि सवेरा। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, शीतल यानी कि ठंडा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईद है, नया साल है, इसलिए सब लोग ईदगाह, जहाँ पर ईद की नमाज सब लोग मिलकर पढ़ते हैं, वहाँ जाने की तैयारियाँ हो रही है। इसका वर्णन है, इसका दृश्य है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, कड़े हो गए यानी कि कड़क हो गए, चमड़े के जो जूते होते हैं वो कड़क हो जाते हैं, तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे। सानी पानी यानी कि बेल जो होते हैं उनको खाने के लिए और पीने के लिए जो देते हैं उसे कहते हैं सानी पानी। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, 3 कोस ये अंतर है रास्ते का। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना यानी कि सबको मिलना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, इसीलिए जो काम है वो पहले पूरा कर दे। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े जो होते हैं वो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है, ऐसा बच्चे मानते हैं। रोज़ ईद का नाम रटते थे, यानी कि ईद कब आएगी कब आएगी, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन, कुबेर ये धन के देवता है, धन के भगवान है, यानी कि सबकी जेबों में तो बहुत सारा पैसा भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, महमूद एक लड़का है, 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। याद रखना, महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। मोहसिन, उसके पास कितने पैसे हैं, 15।
इन्हीं इन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, ऐसे वो लड़की बातें कर रहे हैं। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, प्रसन्न यानी कि खुश। इन सब में सबसे ज़्यादा अगर खुश है तो वो कौन है, हामिद। गरीब सूरत, गरीब सूरत, सूरत यानी कि चेहरा, फेस, उसका चेहरा कैसा दिखता है, गरीब। दुबला पतला लड़का जिसका बाप यानी कि उसके पिता गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजा एक बीमारी है जिसे कहते हैं कॉलेरा, वो हुआ था और उसमें वह मर गए। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना, हामिद किसके साथ रहता है, अपनी दादी के साथ, और उसकी दादी का नाम है अमीना, अमीना की गोद में है यानी कि उनके साथ रहता है और उतना ही प्रसन्न है और फिर भी वह बहुत खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है, खुश है। अभागिन अमीना, अभागिन यानी कि जिसका नसीब अच्छा न हो, वो कौन है, अमीना। अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, कोठरी यानी कि छोटा सा कमरा, मिट्टी से बना छोटा सा कमरा। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, और बैठे बैठे सोच रही है, ईद का इतना बड़ा त्यौहार है, उसके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए दाना भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, और ये सब सोच सोच कर दुखी हो रही है, निराश हो रही है और ईद को कोस रही है, ईद को डांट रही है कि किसने बुलाया था इसे आने के लिए। अमीना का दिल कचोट रहा है, ये मुहावरा है, दिल कचोटना यानी कि दुख होना। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, उसका दिल दुखी क्यों हो रहा है, क्योंकि वो देख रही है कि गांव में जो बच्चे हैं वो अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, यानी कि उसकी तो बाप भी नहीं है और माता भी नहीं है, उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, नहीं अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही सी जान तीन कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं, कुल दो आने पैसे बच रहे हैं, तीन पैसे हामिद की जेब में। याद रखना, हामिद के पास कितने पैसे थे, तीन पैसे, पांच अमीना के बटुए में, और अमीना के पास कितने पैसे हैं, पांच पैसे। यही तो बिसात है यानी कि यही तो औकात है हमारी और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, ये मुहावरा है, बेड़ा पार लगाना यानी कि संकट से बचाना। अब तो अल्लाह हमें इस संकट परेशानी से बचाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, भीतर यानी कि अंदर, घर के अंदर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था यानी कि वो कभी थकता नहीं था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ईदगाह जाते वक्त रास्ते में कौन कौन से दृश्य आ रहे थे, दिखाई दे रहा था, तो बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलागर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, ये बच्चे सोच रहे थे। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी, मनो यानी कि भीड़ देखने को मिलेगी। सहसा ईदगाह नज़र आई, सहसा यानी कि अचानक से। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है, जाजिम यानी कि नीचे कारपेट बिछाया हुआ है। रोज़ेदारों की पंक्तियाँ यानी कि जिन लोगों ने रोज़े रखे थे वो सब लाइन में, पंक्तियाँ यानी कि लाइन में एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, यानी कि कितना भी अमीर व्यक्ति हो, कितना भी गरीब व्यक्ति हो, सबको लाइन में ही खड़े होना पड़ता है।
इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। ग्रामीण यानी कि गांव के लोग, वजू करना यानी कि हाथ पैर धोना, और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, पिछली लाइन में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, यानी कि सब लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। सिजदा यानी कि सिर से जमीन को छूना, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानव भातृत्व यानी कि भाईचारा का एक सूत्र समस्त आत्माओं को, पूरे विश्व को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है, यानी कि भीड़ जम जाती है। ग्रामीणों का यह दल, यह ग्रुप इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, यानी कि बच्चे तो ये सब देखने के लिए उत्साही है, प्रसन्न है, खुश है, लेकिन साथ ही साथ बाकी सब गांव वाले भी बहुत खुश है। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।